आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 क्लास 2 का उसका वीडियो पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैं तुम लोगों को कि कंजर्वेशन चार्जेस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, वो सब मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अभी इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्लास 2 में बहुत सारा मार्क्स आता है, और ऐसे तुम बात में एनालाइज कर सकते हो कि ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तुम्हारे क्लास 2 में जितने भी चैप्टर्स है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1, 2 और 3 है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही सबसे लगभग वही सबसे तुम बोल सकते हो थोड़ा टफ कैटेगरी में। पर अगर उसको सिस्टमेटिकली समझा जाए तो ये चैप्टर उतना टफ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है क्या? ये अब हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे कि आपको तो ये पता है कि इट इज इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, ये पहला होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो पॉजिटिव ये तो पता ही है, ये फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इसी के बारे में ये पूरा कूलम्स लॉ है कि कैसे जो अट्रैक्शन जो होता है उसमें जो फोर्स होता है कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है या कितने फोर्स से वो रिपेल करता है, इसी चीज को हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये करने से पहले मैं तुम लोगों पर कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो लिखा देता हूं। इट स्टेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, it states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charge is between two stationary point charge is number one directly proportional to the magnitude of the two charge, and number two inversely proportional to the square of the distance between them. तो इसको ये है इसका स्टेटमेंट, इसको कैसे लिखा जाता है मैं वो एक्सप्लेन करके बोलूंगा। इसका स्टेटमेंट है कि स्टेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो यहां पे कोई दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव जो चार्ज है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो ये नंबर वन है और ये नंबर टू है, तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स अप्लाई होगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज, ये जो लाइन है इसी पे एक्ट करेगा। इन दोनों चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि दो चार्ज है
अभी रिपेल कर रहा है, तो रिपेल तो ऐसा भी हो जा सकता है, इधर भी फेंक सकता है, इसको इधर भी फेंक सकता है, इधर भी फेंक सकता है, या फिर इसको ऐसा ऐसा, बट नहीं, क्रूज सजेस्टिव कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, इसी लाइन पे फोर्स एक्ट होगा, तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या फोर्स एक्ट होगा, इसको ये रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसको इस चार्ज की वजह से ये रिपेल होगा, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो अभी ओके, तो दिस इज फोर्स इन वन ड्यू टू टू, और इसमें फोर्स इन टू ड्यू टू वन, तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा। नाउ दोनों इक्वल चार्ज है, तो इस पे जितना फोर्स होगा इस पे भी इतना ही फोर्स होगा, एफ वन टू और एफ टू वन, दोनों में इक्वल फोर्स होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा, ये इस तरफ जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन छोड़ के दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ कि कितना फोर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल है। अगर डायरेक्शन छोड़ दे तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड में ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो इसको मैं नाम देता हूं क्यू वन, इसको नाम दे देता हूं क्यू टू, क्यू वन क्यू टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो इधर से इसका डिस्टेंस जो है ये आर है, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर, यानी जब डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। और अगर तुम गौर से देखो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तुम क्लास 10 में पढ़ चुके हो, आई मीन क्लास 10 नहीं क्लास 9 में, क्लास 9 में ये सब पढ़ चुके हो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो फॉर्मूला दिखने में चार्जेस का भी सेम है, हाँ उसमें सिमिलरिटी बहुत सारा है लेकिन डिसिमिलरिटीज भी बहुत सारा है, तो ये बात में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, ऊपर का तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ऊपर का नाम कर दे लो, पर नहीं लिखा तो पॉज करके लिखिएगा बाद में। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा k, q1 q2 by r square। Now what is this k? K एक कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट, और ऐसा नहीं है कि ये k हर मीडियम के लिए फिक्स्ड है, k का वैल्यू मीडियम, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जैसे कि k का वैल्यू फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में या फिर जो नियर अबाउट इक्वल टू हमारे ईयर में, ईयर में जो है ये k का जो वैल्यू है, ये k का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इमेज तो कैसे आ रही है, तो समझ में आ ही गया होगा, ये न्यूटन है, ये उधर जाके मीटर स्क्वायर हो जाता है, ये नीचे आ जाए तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहां के लिए, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस या फिर जो लगभग इक्वल है, तो हम लोग ईयर में जो है के का वैल्यू ये लेते हैं एंड दिस इज द कांस्टेंट। और इस के को क्या बोलते हैं, इस के को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, इस के को बोलते हैं परमिटिविटी। नाउ व्हाट इज परमिटिविटी, इसको हम लोग ये समझने के बाद, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने के बाद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा परमिटिविटी के ऊपर, जो इसके बाद वाला या इसके बाद वाला आएगा वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि परमिटिविटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ इधर के लिए नहीं तुम्हें आगे भी मिलेगा ये परमिटिविटी, तो ये परमिटिविटी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए फिलहाल मैं बोल देता हूं के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसको ई नहीं रीड करते, इसको हम लोग इप्सिलॉन रीड करते हैं,
अभी काफी बुक्स में या फिर काफी जगह तुम लोग देखना यहाँ पे के इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जो एक्जेक्टली करेक्ट नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन ही होगा। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो डिफरेंस है मैं तुम्हें बाद में जो प्रोडक्टिविटी का टॉपिक आएगा उसमें डिटेल्स में समझा दूंगा। जस्ट जान के रखो ये के इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन है और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। अभी अगर चलिए तो हो गया होगा, अगर यार की बात किया जाए तो साइड में लेके रखता हूं यार में ये जो तुम लोगों का फोर्स है के की जगह पे ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये यार के लिए। एप्सिलॉन नॉट कब आएगा जब हम लोग यार या वैक्यूम की बात करेंगे, q1 q2 बाय r स्क्वायर ये फॉर्मूला आता है। चलो ये तो मैंने बेसिक बातें बता दिया तुम लोगों को कूलम्स लॉ का। इसमें और एक चीज है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब r स्क्वायर क्या है? r स्क्वायर तो है कि सेपरेशन जो है दो चार दोनों के बीच में जो सेपरेट करने वाला डिस्टेंस है इसको हम सेपरेशन बोलते हैं, सेपरेशन का डिस्टेंस है। तो इसका अगर हम इसको अगर गौर से देखोगे तो अगर मैंने r को डबल कर दिया, r को डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, फोर्स हो जाएगा 1 बाय 4। या फिर मैंने r को हाफ कर दिया तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। जो अगर मैंने बोल दिया कि रेडियस 3 टाइम्स हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 बाय 9 टाइम्स। इसका अगर तुम लोग ग्राफ बनाओगे यहां पे f फोर्स और यहां पे सेपरेशन r, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि r जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स घटता जाएगा और बहुत तेजी से घटेगा, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये था बेसिक चीज है कूलम्स लॉ का। ये सब जो तो मैंने लिखाया वो अगर सिस्टमेटिकली वाइज लिख लोगे तो ये बाद में रेफरेंस के लिए अच्छा होगा। अभी तुम्हारे अच्छा इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ बोर्ड के बारे में नहीं, जैसे हम लोग ऐसे क्लास में करवाते हैं तो बोर्ड का क्लास अलग करवाते हैं और एंट्रेंस प्रिपरेशन का अलग कराते हैं, लेकिन वीडियो में जब मैं यूट्यूब पे ये वीडियो दे रहा हूं तो इसमें मैं क्या करूंगा सारे एक साथ करा लूंगा और मैं बोल दूंगा कौन सा बोर्ड का पार्ट का है, कौन सा एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा आईटीजी नीट का कौन सा टाइप से, मैं बोल दूंगा। ये सब जो है ये बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है। अभी और एक बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक है जो बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये जो कूलम्स लॉ मैंने समझाया है इसका वेक्टर फॉर्म, तो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स लॉ ऑफ सॉरी वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको मैं डिटेल्स में कर रहा हूं। अब मानो से स्टोरी तो सेम ही है, दो चार्ज है q1 q2, ये सेंटर से जा रहा है तो इधर होगा ये नंबर 1 है मान लो, ये नंबर 2 है मान लो, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 और इस तरह फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। तो दो चार्ज है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम जो इस ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग r, तो डिस्टेंस इधर से मेजर करो इधर से मेजर करो ये नहीं होता तो मैटर नहीं करता, इसके मैं ले रहा हूं मॉड r सिर्फ मैग्नीट्यूड। अच्छा अब अगर तुमने वेक्टर्स तुम्हें ठीक से आता है तो तुम्हें पता होगा इधर दो तरफ दो टाइप का वेक्टर होगा, एक इधर से इधर जाएगा और एक इधर से इधर आएगा। ये जो वेक्टर है इसको बोलेंगे फाइनल कौन सा है 2r2 - r1, इसका दो वेक्टर होगा, इसका दो वेक्टर होगा, एक इस तरफ इधर से इधर जाएगा एक इधर से इधर आएगा। तो इस वेक्टर का ये वाला जो फॉर्म होगा ये होगा r2 - r1 और ये वाला जो होगा ये होगा r1 - r2। नाउ और एक चीज मैं शायद तुम लोग बोलना भूल गया कि ये जो फॉर्मूला मैंने दिया था f equals to q1 q2 k q1 q2 by r square, उसमें q1 और q2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डालता है क्योंकि जो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि फोर्स इस तरफ लग रहा है या उस तरफ लग रहा है वो तो हमें पता चल ही जाएगा,
लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन जो है वो हमें पता होता है कि अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए उधर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालना Q1 Q2 अगर ऐसा दे दिया माइनस 2 कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज, फॉर्मूला में डालते वक्त 2 और 1 डालना, ये याद रखना। अच्छा जो हम लोग और निबंध करेंगे तो इसको मैं समझा दूंगा। और अच्छा तो अभी ये जो फोर्स है, फोर्स इन वन ड्यू टू टू, ये फोर्स क्या आएगा, ये आएगा के क्यू वन इंटू क्यू टू बाय मोड ऑफ आर स्क्वायर। पर अगर ध्यान से देखो तुम लोग तो क्या ये वेक्टर फॉर्म में है या स्केलर फॉर्म में है? मेरे हिसाब से ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में, सॉरी स्केलर फॉर्म में, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ऊपर जो ये वैल्यूज है तो ये स्केलर फॉर्म में। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज जब वेक्टर्स तुम लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर उसमें देखा होगा, कोई भी चीज वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए उसका एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर 1 टू 2 इस तरफ है तो मैं यहां पे ले सकता हूं R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर, ये इसमें मैंने ये डालना भूल गया था, R1 माइनस R2 वेक्टर और इसके ऊपर ये यूनिट कैप। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स 1 2 है इसका डायरेक्शन मुझे मिल गया। यूनिट कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर वही होता है जो हमें डायरेक्शन दिखाता है। अगर तुम लोगों का वेक्टर्स क्लियर नहीं है, क्लास 11 में जो वेक्टर पार्ट है वो अगर क्लियर नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल में जो अभी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है इसके बाद मैं वेक्टर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उसको देख लेना, तो उसमें तुम्हारा अगर किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा क्लियरिटी चाहिए तो मिल जाएगा। और अभी के लिए समझो कि ये जो पार्ट है जिनको वेक्टर्स आता है उनको समझ में आ गया होगा, जिनको वेक्टर्स ठीक से नहीं आता ये लोग ये समझते हैं कि ये जो पार्ट है जो फॉर्मूला लिखा है ये स्केलर फॉर्म में था लेकिन हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो स्केलर फॉर्म के साथ इसका जो डायरेक्शन है वो लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन है ये वेक्टर 1 फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 इस तरह लगा है तो ये वेक्टर का यूनिट कैप ले लिया। अभी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद है, यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे थे, ए ऑफ यूनिट वेक्टर से निकालते थे हम लोग ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये वेक्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर जो निकालते थे ये ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसा हम लोग निकालते। तो अभी ये जो पार्ट है ये जो यूनिट वेक्टर है इस यूनिट वेक्टर का अगर मैं निकाल ले जाऊं तो कुछ ऐसा आएगा शायद, आई थिंक के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसका आ जाएगा R1 माइनस R2 पहले तो सिर्फ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। अभी तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि इसका इसको मैंने ब्रेक करके ऐसा क्यों लिखा कि यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इस यूनिट वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा अभी ये जो हमारा आर वेक्टर है ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर इस तरफ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या है R1 माइनस R2 यही तो है। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखने जाओ तो ये R1 माइनस R2 वेक्टर, ये वेक्टर आया कहां से, इसी का तो दो पार्ट है ना, इसी का ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो अभी हम लोग फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 पढ़ रहे हैं तो इस वेक्टर का ये कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ये वाला जो वेक्टर है R1 माइनस R2 तो ये R क्या है, यही तो है, ये आपका मैग्नीट्यूड और ये आपका मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, यही तो इसी का तो ये वेक्टर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं के Q1, Q2 by ये जो मोड ऑफ आर है, मोड ऑफ आर की जगह पे मैं ये पुट कर दे रहा हूं R1 माइनस R2 होल स्क्वायर और इसको जो है उसको जो पते रख दूंगा जैसा है वैसे ही रखता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाई
आर वन माइनस आर टू। अभी अगर इसके बाद देखो तो ये और ये सेम हो गया, इधर स्क्वायर है इधर और एक है, तो मल्टीप्लाई करने से आई थिंक क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, ये आ जाएगा आर वन माइनस आर टू, ये वेक्टर बाय आर वन माइनस आर टू मोड, इधर स्क्वायर है इधर एक है, तो टोटल कितना हो जाएगा क्यूब। ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इन वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी ध्यान से देखो, ये मैंने निकाला फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अगर मुझे बोला जाता कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालो, ये वाला वेक्टर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये क्या होता है? चेंजेस सिर्फ इतना आता q1 q2, यहां r1 - r2 है और ये वाला जो जा रहा है क्या है? r2 - r1, r2 वेक्टर - r1 वेक्टर बाय मोड ऑफ r2 - r1 होल क्यूब। तो अभी अगर इसको तुम लोग कंपेयर करोगे तो सेम वैसे ही है, f इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि वहां तो स्क्वायर था यहाँ तो क्यूब है, लेकिन यहाँ क्यूब होने से क्या है, ऊपर भी एक है, तो दोनों सेम है। तो वेक्टरली हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोनों फोर्स को। इसमें अगर तुम्हें वेक्टर शब्द क्लियर नहीं किया तो एक चीज सिर्फ समझ लो, ये जो आर है वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में इस आर को दो पार्ट में लिया गया, एक जो इस फोर्स के लिए आता है इधर वाला वेक्टर आर1 माइनस आर2, उधर वाला वेक्टर आर2 माइनस आर1। इसके बाद सबको पुट किया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पुट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये आर तो यही है, इसको इस जगह में रिप्लेस किया, बस ये आ गया। ओके आफ्टर दिस अभी हम लोग कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा फोर्स? एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमें पता है फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और एक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें हम लोग जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो एक चीज जानो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कितने टाइम ज्यादा होता है ये मैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल में तुम लोगों को समझा दूंगा। वैसे भी इसका वैल्यू अगर तुम लोगों को याद है, जी का वैल्यू क्या है? 6.6 × 10⁻¹⁶ इनवर्स स्क्वायर वाला बोल में आता है, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स घटता है, इसको भी देखो डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स घटता है। दूसरा जो सिमिलैरिटीज है कि दोनों का जो मैंने बोला था कूलम्स लॉ में भी जो फोर्स है वो एक्ट्स अराउंड द सेंटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही है कि एक्ट्स अराउंड द सेंटर, एक्ट्स अलोंग द सेंटर। नाउ डिफरेंसेस क्या क्या है? अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो और ज्यादा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर रहा हूं, डिफरेंसेस क्या क्या है? डिफरेंसेस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अगर सेम चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको लिख दो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है,
रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, और ये जो है सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स, ये है डिफरेंस। और दूसरा जो चीज है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों वहाँ पे परमिटिविटी जो होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे परमिटिविटी के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना जान के रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां तक हो गया बात, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कूलम्स लॉ में इसका वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर फॉर्म जो है वो उसको डिस्कस किया, कूलम्स लॉ के बारे में बात किया, उसको बेसिक चीजें, फिर उसका वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस किया। तो इस पार्ट में इतना ही कराऊंगा, अगली पार्ट में इन दोनों के डिफरेंसेस को लेकर कुछ न्यूमेरिकल, फिर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सब करेंगे, और थोड़ा एनएलटी जेईई टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगली पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।